بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم محترم ناظرین अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इससे पहले हमने मुब्तदा और खबर का सबक पढ़ा था, आइए आज हम इस्म के खास और आम होने के लिहाज से उसकी दो किस्में हैं, इस्म मारिफा और इस्म नकीरा, इन दोनों पर हम बात करते हैं। इस्म खास और आम होने के लिहाज से दो किस्में, एक वो इस्म है जिसको इस्म मारिफा कहते हैं, इस्म मारिफा किसको कहते हैं उसकी तारीफ देखिए, वो इस्म जो किसी खास चीज के बारे में बताए उसको इस्म मारिफा कहते हैं, और जो किसी खास चीज के बारे में ना बताए उसको इस्म नकीरा कहते हैं। इस्म मारिफा की मिसाल जैसे अल किताब, अल किताबों के माने है द बुक, खास किताब, और किताबुन के माने हैं अ बुक, किताब, कोई भी किताब इससे मुराद हो सकती है, लेकिन अल किताबु से मुराद खास किताब मुराद हो सकती है। तो इसमें मारिफा उस इस्म को कहते हैं जो खास चीज के बारे में बताए, और इसमें नकीरा उस इस्म को कहते हैं जो खास चीज के बारे में ना बताए। अब पहले देख लेते हैं इसमें नकीरा की फिर दो किस्में, नकीराए मखसूसा, नकीराए गैर मखसूस। नकीराए मखसूसा किसको कहेंगे, यानी वो इस्म नकीरा है लेकिन सिफत की वजह से या इजाफत की वजह से उसको खास कर दिया गया है। जैसे देखिए किताबु जैदिन, किताबु ये नकीरा था लेकिन जैद के साथ इजाफत के जरिए से इसको किताब को खास कर दिया गया, तो नकीरा मखसूसा हो गया। तो किताबु जैदिन ये नकीरा मखसूसा की मिसाल है, और नकीरा गैर मखसूसा किसको कहेंगे जो किसी खास चीज के तरफ इजाफत या सिफत के जरिए से खास ना किया गया हो। जैसे किताबुन है, ये किस नकीरा ही है, किसी इजाफत के जरिए या सिफत के जरिए से इसको खास नहीं किया गया है। तो मालूम यह है कि नकीरा की दो किस्में, नकीरा मखसूसा, नकीरा गैर मखसूसा। अब आइए मारिफा की तरफ, इसमें मारिफा की सात किस्में है। नंबर एक इसमें आलम, इसमें आलम किसको कहते हैं, इसमें आलम वो इसमें है जो किसी एक ही शख्स के लिए या जगह या चीज के लिए बनाया गया हो। जैसे कि देखिए जैद है, जैदुन, ये खास एक शख्स के लिए वज़ह किया गया है। मारिफा की दूसरी किस्म है इसमें जमीर, इसमें जमीर उस इस्म को कहते हैं जो इस्म मुतकल्लिम, मुखातब या गाइब पर दलालत करे, जिससे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन मालूम हो उसको इसमें जमीर कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल है आना हुआ गाइब के लिए, और अंता ये हाजिर के लिए, तो ये इसमें जमीर है। और इसमें जमीर का इस्तेमाल जो है इसमें जाहिर के बदले में किया जाता है, उसकी तफसील आगे आ रही है, आगे मालूम होगा। तीसरा है इसमें इशारा, मारिफा की तीसरी किस्म है इसमें इशारा। इसमें इशारा उस इस्म को कहते हैं जिससे किसी खास चीज की तरफ इशारा किया जाता है। हादल किताब, हादल किताब, ये इसमें इशारा है, किताब की तरफ इससे इशारा किया जाता है। देखेंगे फिर से, इसम मौसूल उस इस्म को कहते हैं जो सिला बनकर जुमले का पार्ट बनता हो, जैसे अल्लदी वगैरह कुरान करीम में वो, अल्लदीना, वो जो, वो सब जो, ये इस्तेमाल होते हैं। इसम मौसूल है मुअर्रब बिल्लाम, ऐसा इसम जिसके बिल्लाम आए, जो इस्म के शुरू में लाम आए उसको मुअर्रब बिल्लाम कहते हैं। यहाँ पर जो लाम है इस लाम को कहते हैं मुअर्रब बिल्लाम, यानी नकीरा को लाम के साथ मुअर्रब कर दिया गया, मुअर्रब खास कर दिया गया। और साथ छठी चीज है मारिफा की छठी किस्म मुअर्रब बिल इजाफा, यानी मौसूफ के जरिए या इजाफत के जरिए, यानी मुजाफ, मुजाफ के जरिए से किसी नाउन को खास कर दिया गया हो। जैसे इसकी मिसाल आपने यहां पर देखी किताबु ज़ैदिन,
तो ये मौरफ के लिए इजाफा है, ये नकिरा है लेकिन इजाफत के इसको मौरफ कर दिया गया। सातवीं किस्म मारिफा की मौरफ बिन निदा, यानी इस इस्म के शुरू में हर्फ निदा हो वो मारिफा की सातवीं किस्म है, उसको कहते हैं मौरफ बिन निदा। जैसे कि देखिए मिसाल, या रजुल, या रजुल, तो अब इसको कहेंगे मौरफ बिन निदा। तो मारिफा की ये सात किस्में थी, इसमें आलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसम मौसूल, मुअर्रब बिल्लाम, मुअर्रब बिल इजाफा, मुअर्रब बिन निदा। तो हमने आज ये खास और आम होने के लिहाज से इस्म की तकसीमों को पढ़ा। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को ये सबक समझ में आया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।